नमस्कार। अपनी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे आइटम बता रही हूँ जो कि आप खाना खाने के बाद में उसे फेंक देते हैं और उसका कोई यूज़ नहीं होता। मैं आप उसी वेस्ट यूज़ का आपको नई तरह की टूटी फ्रूटी बनाना बता रही हूँ और बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाती हैं और आप इसे कोई भी डिज़र्ट बनाएं उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं इसे। देखिए, ये तरबूज है। आप तरबूज खा लेते हैं फिर उसके छिकल को फेंक देते हैं और मैं इसी का आपको यूज़ करना बता रही हूँ। इस तरह से हमें ये साफ़ कर लेना है, जो कि इसका तरबूज का लाल जो हिस्सा होता है उसे अच्छी तरह साफ़ करना है। देखिए, इस तरह से मैंने साफ़ करके धोकर और अब इसके पीस कर लेते हैं। बारीक बारीक पीस करना है और इसका हम छिकल छुड़ा देते हैं इस तरह से और इसके छोटे छोटे पीस करेंगे, जैसे कि आपने देखा है टूटी फ्रूटी में छोटे छोटे होते हैं, इसी तरह से हमें इसके छोटे छोटे पीस करने हैं और पतला ही काटना है। देखिए, इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं और मैंने ये धो लिए और धोकर आगे देखिए हम किस तरह से इसको टूटी फ्रूटी को बनाएंगे। एक बर्तन में मैं पानी ले लिया और उसे हम गैस पर रखकर गर्म होने के लिए रखेंगे। जैसे ही पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है उसी में हम फिर ये डाल देंगे और इन्हें हमें अच्छी तरह से कम 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। देखिए, 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। फ्लेम को हमने बहुत सिंपल रख रखा है और देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है और देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने इसको लाइट ग्रीन बना रखा है। मगर देखिए, कोई भी कलर नहीं डाला और ये भी गल चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर है। अगर आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं, मगर इसमें कलर काफ़ी होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसे निकाल कर पानी को, एक्स्ट्रा जो पानी है वो सब हमने निकाल दिया और अब इसे अलग करके रख देंगे। अब एक बर्तन में हम पानी लेंगे। मैं 1.5 कटोरी पानी ले रही हूँ तो इसमें हम 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। एक कटोरी मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब इसे चीनी को हम अच्छी तरह से, जब तक चीनी घुल नहीं जाती जब तक हमें इसे खौलाना है। और चीनी को चलाते भी रहेंगे नहीं तो नीचे लग जाएगी। और चलाते चलाते हमें चीनी को घोल लेना है अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये डालकर कम से कम 10-15 मिनट तक हमें इन्हें खोलने देना है। खोलने के बाद में हमें इतना गाढ़ा करना है कि इसकी चाशनी ना बने, बस थोड़ा सा चिपक जाए इस पर अच्छी तरह से और धीरे धीरे फिर ये पानी भी पी लेंगे तो ये मीठापन आ जाएगा ना इसमें। देखिए, मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं और मेरी ये पहले से काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अभी इसे थोड़ी देर और खोलाएंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। देखिए, पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी हैं और अब देखिए चाशनी, इन्होंने पानी इसमें पी लिया है और हम इसे ठंडा करके
एक साइड में रख देंगे और फिर कटोरियों में निकाल कर अब इन्हें हम रख लेंगे। देखिए कटोरियों में मैंने निकाल ली है और जिस बर्तन में हमने ये करी है नीचे हमने उसमें पानी भी कर दिया है जिससे कि हम सुखाने रखेंगे तो इसमें चींटियाँ ना लगें। और इसमें थोड़ा थोड़ा कलर डालेंगे, कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप लिक्विड हो तो 2 बूंद के करीब डालें और नहीं तो बहुत थोड़ा सा कलर डालें, 1-1 चुटकी करीब हमें इसमें कलर डालना है। और उन कलरों को हम मिक्स करके इसे धूप में रख दीजिए। अगर आप धूप ना हो तो आप इसे पंखे के नीचे 1-2 दिन ढक कर रख लीजिएगा तो ये जो इसमें चाशनी जो आपको पानी दिख रहा है वो सब सूख जाएगा और सब ये पी लेती हैं तो इसकी फिर ये थोड़ा सा सूखी हो जाए तब हम इन्हें किसी बर्तन में करके स्टॉक करके रखेंगे। देखिए अलग अलग कलर की हमने बना के रख कर लिए हैं, मेरे पास 5 कलर हैं इसलिए मैंने 5 कलर की बनाई है। अलग अलग चम्मच से चलाएं नहीं तो एक दूसरे में कलर आ जाएगा, इसलिए हमने ये अलग अलग चम्मच से चला के मैंने धूप में रख दिया सूखने के लिए। और देखिए मेरी सूख कर काफ़ी अच्छी हो गई है और इसमें जो पहले चाशनी दिख रही थी वो भी नहीं है और सब चीज़ सूख चुकी है। और देखिए इसने रस भी पी लिया है और ये बनकर तैयार है ना हमारी टूटी फूटी आप वेस्ट चीज़ की हमने बनाई है। और आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टॉक करके रख लीजिए और जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तब आप इसमें निकाल कर डाल दीजिए। केक बनाएं, डिज़र्ट बनाएं, जो भी बनाएं आप उसमें यूज़ करिए। और कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको आने वाली नई नई रेसिपियों की जानकारी मिले। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप आनंद उठाइए टूटी फ्रूटी बनाएं आप घर में। और फिर कोई भी आप डिज़र्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें आप इसका यूज़ करेंगे। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद।